भाजपा मैंने ज्वाइन की थी कि भाजपा हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाती है, महिलाओं का साथ देती है और गरीबों को आगे बढ़ाती है। लेकिन विगत 15 साल हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है और उसे यह चिंता नहीं है कि सामने वाले के जीवन का क्या महत्व है क्या नहीं है। आप देखें पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई अच्छे गद्दावर नेता हैं जिनका भाजपा ने खुद ही अपने कार्यकर्ता होते हुए मर्डर कर दिया। जैसा कि आप देखिए जब सिंधिया जी ने ज्वाइन किया लगभग 17-18 विधायकों के साथ ज्वाइन किया, उन विधायकों का क्या हुआ होगा जो विधायक इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, भाजपा से प्रत्याशी होकर लड़े पर सरकार बनाना एक उनका लालच था। उस लालच के कारण इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या करना चालू कर दी और यह हर जिले में होता जा रहा। इसलिए आज मैं भाजपा छोड़कर और भाजपा में ज्वाइन हो रहा हूँ। चूंकि वो हमारे शहर के सांसद हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हैं। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं विगत 20 सालों से वह लगातार सांसद हैं। आज आप देख रहे हैं युवाओं की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिलाओं के आरक्षण की बात तो की जाती है लेकिन हमें सांसद जी बता दें कि वो महिलाओं को कहां 33% आरक्षण दे रहे हैं। कहा जाता है कि युवा रीढ़ की हड्डी है लेकिन वो युवाओं को कहां मौका दे रहे हैं। और मैं सांसद जी से यह बोलना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 20 साल में हमारे सतना को क्यों 50 साल पीछे कर दिया और उन्होंने हर जगह अपनी उपलब्धि गिनाई है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे यही के पूछना चाहता हूं कि 20 साल में वो मेरे 20 सवाल का भी अगर उन्होंने जवाब दे दिया और वह जवाब सही रहे तो मैं पुनः हार मानने को तैयार। देखिए मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं भीख मांगकर भी खाना जानता हूँ। सांसद जैसे दुराचारी जिसके ऊपर शिक्षा कर्मी घोटाला लगाओ, ऐसे सांसद मुझे शर्म आती है उन्हें सांसद कहने पर। शिक्षा कर्मी घोटालों में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अपने नातों को भर्ती दिलवाया जिसका कि खुलासा हुआ और सांसद जी ने 20 सालों में कितना रोजगार हमारे युवाओं को दिया, कितना हमारे महिलाओं को उन्होंने जो 33% का आरक्षण किया जाता कितना किया। आप देखें आज हमारे सतना का युवा बेरोजगार भाग रहा, हमारे सतना की बहनें सिर्फ परेशान हो रही हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कागज में और ऐसे ही न्यूज में सिर्फ एक संभावनाएं दी जाती हैं। लेकिन अगर अपन धरातल की बात करें तो धरातल में न सांसद जी ने 20 साल में कोई काम किया और न हमारे जो पूरे विधायक हैं उन्होंने 5 साल में कोई काम किया। अगर ऐसा कोई काम किया है उन्होंने तो वह गिना दे। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो 100 करोड़ की हमारी सांसद निधि जो हम लोगों के लिए दी जाती थी, वो बता दे उन्होंने सतना में कहां खर्चा किया। और जैसा कि आपने कहा कि सांसद जी द्वारा मुझे खड़ा किया गया, मैं आपको बता दूं अगर कोई विकास पुरुष होता, कोई हमारे सतना का विकास किया होता, कोई हमारे युवाओं को रोजगार दिया होता तो मैं निश्चित उसके लिए बिना पैसों के भी खड़ा हो जाता और उसे जिताता। लेकिन ऐसा दुराचारी सांसद जिनके ऊपर शिक्षा घोटाला कर्मी घोटाला लगा हो, कितने घोटाले लगे आज आप देखिए, हर फैक्ट्री में उनकी माइंस है, हर जगह उनके वेयर हाउस है। जो सांसद शुरू में कहते थे कि मैं 3 एकड़ का काश्तकार हूँ, आज वो यह हल्ला कर रहे हैं कि उन्होंने हमें खरीद लिया। और भाई आपको बताना चाहता हूँ कि एक गरीब से गरीब आदमी भी मुझे खरीद सकता है लेकिन वह ईमानदार होना चाहिए। सांसद जी की अभी हैसियत नहीं है कि वो मुझे खरीद सकते। सांसद जी एक काम सवाल ये है, देखिए निश्चित रूप से हम युवाओं के बीच जाकर काम किए हैं,
गरीबों के बीच जाकर काम किया। हमारी जो भाजपा की सोच है, हम उसी पे भाजपा की सोच पर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाजपा अब सिर्फ बड़े आदमियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। इसलिए मैंने इस पार्टी से त्याग दिया और भाजपा के लिए तन मन धन से लग